सभी को राम राम। आर्ट एंड क्राफ्ट मामले में 31 मई को डेट थी, लेकिन सबको लगभग आभास है कि इन डेट में अभी कुछ नहीं होना, क्योंकि सारा मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और इस पर काफ़ी बहस भी हुई। उस दिन इन्होंने तो अपनी मांग वही उठाई कि भाई कुरुक्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं है, और ये बात भाई सच्चाई भी स्टे तो नहीं है, सिर्फ नोटिस हुआ है, लेकिन सटे वो एकदम तो अपने फैसले पर दे कैसे देंगे बिना सुने। अभी तो उन्होंने सिर्फ ओपन हियरिंग के ऑर्डर की है ना, केस तो नहीं सुना ना। सटे तो वो जब देंगे ना, जब एक तारीख पर बहस हो लेगी, जब उनको लगेगा कहाँ भाई इस मामले पर स्टे देना चाहिए, तभी तो दे सके हैं, बिना सुने स्टे कैसे दे देंगे। तो ये सटे वाली बात तो अभी तो देखो, और सच्चाई है स्टे अभी है भी नहीं, अभी सिर्फ ओपन हियरिंग के ऑर्डर हुए हैं, रिव्यू पिटीशन एडमिट हो गई है, स्वीकार हो गई है, फैसला बदलना ना बदलना वो आगे की बात है, क्या करेगी वो कोर्ट देखेगी। तो इसमें जो है ना मेन केस है 24-349 मनोज कुमार के नाम से, यो 50-51 नंबर वाले ही भी नम फेलियर को ये बुरा मान जा है, और लो मेरिट कोई कैटेगरी आज तक तो ही नहीं है भाई, या तो मेरिट है या नीचे है कते। तो बाकी ये अपने आप ने आजकल लो मेरिट का नाम धरवा रहे हैं, पर चलो हो गए भाई लो मेरिट, चलो तले तो हो गए, यूँ तो मान के तले हैं, हम योग्य नहीं हैं, हम योग्यता पूरी नहीं करते, सिर्फ ये न्यू है जमानत बचा के, 32 नंबरी जी तो जमानत भी नहीं बचा पाए, इनकी न्यू है जमानत बच रही है, वैसे सिलेक्शन में फैल रहे हैं, तो मैं इन्हें तो फैल मानना हूँ भाई। चलो इनका मांग है, इनकी मांग है भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके अगेंस्ट आ गया है, अब इनका रिजल्ट रिवाइज कर दो। तो इसमें सारी बहस इसी पर होनी है, और ये बहस न्यू रुकी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एडमिट होगी, अगर एडमिट नहीं होती तो अब तक इस केस का फैसला भी आ चुका होता। तो इसमें काफ़ी केस हैं, देख सकते हो, सबने पता भी है, इसमें जो है ना 31 मई की डेट थी 10 मई की थी, लेकिन इस केस में ऑर्डर अपलोड अब नहीं हो रहे, ना तो 10 वाला होया था ना 31 वाला अभी तक होया है, कल को तो हो जाओ बेशक हो जाओ, अभी तक कोई ऑर्डर अपडेट इस केस में नहीं हुआ है आज की सुबह तक। हाँ, ये जो दूसरा केस है संजय कुमार का, जिसमें पूरा भर्ती प्रोसेस को ही दोबारा करने का मांग की गई है, ये बिल्कुल क्लियर है, जिनकी जमानत जब्त है ना उनका केस है ये। ये कहते हैं कि भाई जो कुरुक्षेत्र पार्टी नहीं रहा इस केस में, इनके जो डिप्लोमा है वो नॉट वैलिड हो गया, तो अब टेस्ट की क्या ज़रूरत है, अब तो सीधे लगा दो हमें, दोबारा इंटरव्यू लो और सबको लगा दो, इनकी मांग यह है। इस केस में जो है ना, इसमें भी एक तो 4-5 CM भी लगी हैं, अभी आलिया भी लगी हैं, पार्टी बनी है, और इसमें ऑर्डर भी अपडेट हुआ है, इसमें ये 31 मई का ऑर्डर होगा, 10 मई का भी इसी केस में आया था, और इसकी सुनवाई वो साथ में चली रही है, 10 को भी थी कि इसमें ऑर्डर अपलेट। इस ऑर्डर की बात कर लेते हैं अब, ये है वो CWP 25/124/2021, इसी के अंदर 24-349 का इस केस में आज हवाला भी नहीं दिया है, 49-85 दिया है, 53-47, ये सारे फेलियर के केस हैं, बाकी तो कोर्ट का अलग प्रोसीजर वो हमने भी नहीं पता। संजय कुमार का केस है, प्रेजेंट रविंदर मलिक फॉर दी पटिशनर है, इनका 25/124 में रविंद्र बांगड़ है, 49-85/53-47 में हरीश नैन AG हो गया, सलील देव सिंह बाली एडवोकेट CM 38-82, ये KU के द्वारा लगाई गई है, और विवेक खत्री एडवोकेट, ये इसमें 6800 में 5 नए पटिशनर बने हैं भाई, ये मेरे ख्याल से भी हो सकते हैं, कन्फर्म तो नहीं, जिनका इंटरव्यू है 13 दिसंबर को, इन पर स्टे ले रखा है संजय कुमार ने, अगर इनका जब रिजल्ट आ चुका था, इंटरव्यू लेने का क्या तुक बनता है, यो केस वो है मेरे हिसाब से, तो ये वो है। तो प्रेयर इन द, पहले तो CM की बात करते हैं 38-82 की, जो सलील देव बाली एडवोकेट है, प्रेयर इन द एप्लीकेशन इज इम्प्लीट, यानी पार्टी बनने के लिए था और रेस्पोंडेंट बनने के लिए है, नोटिस फॉर द एप्लीकेशन, रविंद्र मलिक ने नोटिस ले लिया और कोई सीरियस मुद्दा नहीं उठाया और उन्होंने उस बात को मान लिया, कीपिंग इन व्यू फैक्ट्स एंड सर्कल, जो हालात के अनुसार इनको रेस्पोंडेंट नंबर 4 मान लिया है, अलाउड कर दी इनकी, और अलाउड करने के कारण ये CM फिर डिस्पोज ऑफ होगी, क्योंकि जो मांग होगी पूरी पार्टी बनना था वो मांग मान ली, और कोर्ट को भी ऑर्डर कर दिया अभी इनको रिकॉर्ड में कर लो पार्टी। एक दूसरी CM है 68-68 प्रेयर इन द एप्लीकेशन इज फॉर एम्प्लीटमेंट द 5 एप्लीकेंट्स, इसमें सिर्फ 5 एप्लीकेंट है,
एज पार्टी रेस्पोंडेंट। इन्होंने भी रेस्पोंडेंट बनने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें भी रविंदर मलिक को ही नोटिस जा गया, क्योंकि पिटिशनर वो हैं तो उनके खिलाफ ही तो खड़े होंगे ये। उन्होंने इसमें भी उसमें मान लिया भी ठीक है, इनको भी आर्डर दो और इनकी भी अलाउड कर दी है, और इसी कारण ये भी डिस्पोज ऑफ कर दी, क्योंकि मांग पार्टी बनन की थी, अपना जवाब देने की थी। अब ये इस केस में पार्टी बन गए हैं, जवाब देंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर की। इन तीन केस का मौका वाला दिया, 24349 का वाला नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है वो केस कुछ अलग दिशा में जा रहा है, ये अलग हैं। बाकी देखो डिसीजन तो शायद ये क्या आएगा इनका। इट इज़ सबमिटेड दैट द रिव्यू पिटीशन आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस इज स्टिल पेंडिंग। भाई यहाँ यह सिद्ध किया जाता है, दिखाया जाता है, या सबके द्वारा बोला जाता है, कुछ मान लो आपने भैया जवाब दाखिल हुआ है, दैट द रिव्यू पिटीशन भी नोटिस जो इशू होने के बाद रिव्यू पिटीशन स्टिल अब भी पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो सब ने पता है, लगभग यही डिसीजन आना था। एट रिक्वेस्ट एडजन टू 28/7 भाई, रिक्वेस्ट पे 28/7 के लिए, और जो फोटो कॉपी ऑफ ऑर्डर है भाई इसके कारण तो होना इसमें 28/7 में भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैडम ने भी लीजा गिल जो एडवोकेट उन्होंने मान लिया कि भाई रिव्यू पिटीशन एडमिट होना बहुत बड़ी बात होती है, एडमिट हुई है तो फैसला चेंज होने के पूरे चांस हैं इसमें, इसी कारण वो यहाँ पर कोई डिसीजन देकर एक कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि हो जाएगी अगर वो किसी भी तरह का बाई चांस वो करते हैं कंडीशनल ज्वाइनिंग की, उसमें भी दिक्कत आओगी फैसला ना बदले तो दिक्कत, और बाई चांस वो करते हैं रिजल्ट रिवाइज की, उसमें भी दिक्कत आओगी अगर उधर से फैसला बदल गया तो इस कारण ये थोड़ा है वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहे हैं। तो इस केस में और तो खास अपडेट हुई नहीं है। अब इसकी 28/7 यानी कि 28 जुलाई डेट लग गई है, उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की डेट आ जाती है और पहले इनिंग पर कोई सटेवटे मिल जाता है तो ये केस ख़त्म हो जाएंगे यहीं पे। और मेन बात तो वहीं पे है कि वहाँ पे क्या होता है, तो चलो देखें वहाँ पे क्या होता है। धन्यवाद।